इंडिया में अभी 7 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में हमें भी अपने ब्लड शुगर रेंज को जानना आवश्यक होता है कि हमें नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज कितना होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लाइव सीखेंगे भी कि ब्लड शुगर रेंज को कैसे जांचा जाता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आपका नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज कितना होना चाहिए। तो अगर आप खाली पेट में अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो 100 से नीचे होना चाहिए। अगर आप पहले से डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं हैं और आप पहली बार चेक करा रहे हैं डायबिटीज़, तो ऐसे में आपका जो डायबिटिक रेंज होता है, ब्लड शुगर रेंज होता है, वो 100 से नीचे होना चाहिए। वही अगर 100 से लेकर 125 तक आता है आपका ब्लड शुगर रेंज, तो समझिए आप प्री डायबिटिक, यानी आपको डायबिटिक हो सकता है। वही अगर 125 से 150 के बीच आता है आपका खाली पेट फास्टिंग ब्लड शुगर रेंज, तो समझिए आपको डायबिटीज लगभग हो चुकी है। तो अब आइए लैब टेस्ट करके भी जानते हैं कि ब्लड शुगर रेंज कैसे चेक किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर मोरपेन का ग्लूकोमीटर है, इसकी मदद से हम अपनी डायबिटीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले इसको खोलते हैं, तो इस प्रकार से इसमें ये नीडल होता है और ये इसमें स्ट्रिप होता है और ये होता है हमारा मशीन। सबसे पहले इसमें हम ग्लूकोमीटर का चिप लगाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ग्लूकोमीटर का चिप होता है, जो जिसका एरो जो होता है वो अंदर की तरफ जाता है ऐसे, ये आप देख सकते हैं चिप लग चुका है और बिल्कुल भी मशीन रेडी हो गया है। अब इस पर जो है सो अगला वर्क हम ब्लड डालने का करेंगे। ब्लड की एक बूंद इस पर हम यहाँ पर लगाएंगे। जब भी हम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे इस मशीन से, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि इसका जो ये नीडल होता है, एक ही नीडल से सभी पेशेंट को चेक नहीं किया जाता है। इसका जो नीडल है वो हम चेक कर लेते हैं जब भी किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। तो इसमें से हम ये देख सकते हैं नया वाला ये चिप ले रहे हैं, इसको इस प्रकार से खोलकर और नीडल को इस मशीन में सेट करना होता है। अब इस मशीन को इस एरो जो है, इस एरो के 4 या 5 पर रख देंगे। जितना पर एडजस्ट हो, जितना पर ब्लड निकल जाए उस पर हम एडजस्ट कर देंगे और इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेंगे। अब ये मशीन बिल्कुल भी तैयार हो चुका है, ब्लड को नीडल, ये नीडल बिल्कुल तैयार हो गया है हमारे ब्लड को निकालने के लिए। अब पेशेंट की उंगली को इस प्रकार से आगे की ओर दबाएंगे और उस पर ये नीडल हम ऐसे पुश कर देंगे। ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ब्लड आ चुका है। अब इस ब्लड को हम चिप की इस नोब पर लगाएंगे थोड़ी सी, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं इस टेस्ट का जो रिजल्ट आया है वो 102 आया है। इस रिजल्ट के मदद से हम जान सकते हैं कि इस पेशेंट का डायबिटीज 102 रिजल्ट है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो पेशेंट है अभी डायबिटीज इनको नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपका जरूर अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।